Hi everyone, my name is Infinity and I welcome you in my channel Infinity in Space. आज की मैथ मिस्ट्री ये है, एक बहुत ही सिंपल मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम है। आपने ध्यान दिया होगा बचपन से एक बात कि जब भी हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि यहाँ पर 538 है और उसको 27 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद जब हम इसको 7 से इनको मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो लिखेंगे, इसमें सारे डिजिट लिखेंगे, फिर हम जब इस 2 से यानी सेकंड प्लेस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर आता है उसको यहाँ लिखते हैं, तो ये प्लेस जो है गैप हो जाता है। यहाँ पर गैप क्यों हो जाता है, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड की हम इन दोनों को ऐड क्यों करते हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास तीसरा नंबर भी होगा तो फिर से हम ये यहाँ पर गैप छोड़ देंगे, यहाँ भी गैप छोड़ देंगे, फिर आगे की हम लिखेंगे और फिर हम ऐड कर देंगे। तो आज की प्रॉब्लम इसी बेस पे है, देखते हैं इस प्रॉब्लम को क्या सोल्यूशन है। देखने के लिए समय हम सबसे पहले नंबर सिस्टम को रिव्यू करेंगे। तो जैसे एक नंबर हमारे पास है 7982, 7982, 7982। अब इस ये सिंपली एक नंबर सिस्टम में है। नंबर सिस्टम में ये सारे नंबर एक पार्टिकुलर पोजीशन पे रखे होते हैं और उनसे उसका वो डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ अमाउंट को डिनोट करता है। जैसे टू नंबर राइट से लेफ्ट जाएंगे, नंबर जो है वन प्लेस पर है, ये 10 प्लेस पर है। इसी तरह से जो 9 है हमारा वो 100 प्लेस पे है और 7 जो है हमारा वो 1000 प्लेस पर है। यानी कि जो टोटल अमाउंट ये बता रहा है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे ये 2 बता रहा है, 8 को हमें 10 से मल्टीप्लाई करने पे 80 बता रहा है और 9 को 100 से मल्टीप्लाई करने पर 900 बता रहा है। सिमिलरली 7 को 1000 प्लेस पर होने की वजह से 1000 से मल्टीप्लाई करके 7000। तो ये टोटल अमाउंट ये है। अगर आप जब टोटल अमाउंट जानना चाहते हैं तो सबको हमको ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद जो नंबर आ रहा है उसको हम इस तरह से रीड करते हैं, 7982। ये बेसिकली इसका मतलब नेक्स्ट है कि हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो मान लीजिए वन डिजिट से हमें मल्टीप्लाई करना है 8 से, इस नंबर को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब हम इसको 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी इसके हर एक जो वैल्यू है, जो भी अमाउंट को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, सबको 8 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 8 यानी 80 जो है बेसिकली उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 9 जो है जो कि 900 को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिमिलरली 7 जो 7000 को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो अमाउंट आएगा जो यहाँ पे 16 है और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 8 640 आएगा। सिमिलरली 900 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7200 आएगा और फिर फाइनली जब हम 7000 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 6000 आएगा। फाइनली हम टोटल वैल्यू के लिए, मल्टीप्लिकेशन क्या है, एडिशन है, रिपीटेड एडिशन, तो सभी को हम ऐड कर लेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी। अब सेम प्रोसीजर को इस तरह से हमने पूरा लिख लिया। अब सेम प्रोसीजर को हम जब 2 डिजिट के लिए एक्सटेंड करेंगे तो रियल प्रॉब्लम स्टार्ट होगा। तो जैसे कि हम इस सेम नंबर को 38 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, पहले इसका मतलब समझिए। इसका रियली मतलब है 7982 को हम 38 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जहां 8 खुद 8 है और 30 जो टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 30 हो गया, 3 × 10 = 30। यानी कि हम पहले इस पूरे नंबर को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर पूरे नंबर को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसको ऐड करना है, दैट इज द होल आइडिया। तो हम 8 से पहले से मल्टीप्लाई कर चुके हैं और ये वैल्यू आई है जो हम यहाँ पर पहले से लिख चुके थे। तो अब हम बात करेंगे 30 की। तो 30 को जब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ध्यान दीजिए, 30 में जो 0 है, 0 यानी वन प्लेस पर कुछ भी नहीं है, तो सेकंड प्लेस पर 3 है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7982 को 30 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि इसके हर एक जो अमाउंट है 2 × 30 उसको 30 से मल्टीप्लाई करना, 80 को 30 से मल्टीप्लाई, 9 है यानी 900 को 30 से मल्टीप्लाई करना और 7 जो कि 7000 उसको 30 से मल्टीप्लाई करना, उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा सबको ऐड करना। ध्यान से देखिए, सिर्फ यहाँ पर 0 था यानी कोई भी वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, 0 स्टैंड फॉर नथिंग, तो यहाँ पर भी आपको 0 ही मिला है इस कॉलम पे, ध्यान दीजिए, ठीक है। और ये मेन रीजन है कि अब जब हम ओवरऑल वैल्यू को ऐड करेंगे तो 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये मिला और 30 से मल्टीप्लाई किया ये मिला, तो हम अब पूरे वैल्यू को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। पूरे वैल्यू को ऐड करने के लिए हम जो फर्स्ट 8 से मल्टीप्लाई करने पे जितनी वैल्यू है उसको लिख लिया और 30 से मल्टीप्लाई करने पे जितना है उसको लिया, आप सबको ऐड कर दिए। ध्यान दीजिए यहाँ पे 0 है और ये हमेशा ही 0 ही रहेगा, बिकॉज जब वो 10 प्लेस पे होगा तो यूनिट प्लेस उसका 0 रहेगा, कुछ भी नहीं होगा, इसलिए ये प्लेस हमेशा ब्लैंक रहता है। तो इस बात का तो हमें आंसर मिल गया है कि क्यों ये प्लेस हमेशा हम छोड़ देते हैं, बिकॉज ये जो है हमारा 0 स्टैंड फॉर नथिंग। इसी तरह से अब हम दो नंबर से ऐड करते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो है रिपीटेड एडिशन होता है और इसीलिए हम इन दोनों को ऐड करके फाइनल वैल्यू लेकर आते हैं। सिंस ये प्रोसेस काफी कॉम्प्लिकेटेड और लॉन्ग है, इसलिए हम शॉर्टकट में सिंपली इन दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे और जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे नंबर्स लिखेंगे और जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट प्लेस को 0 देंगे, बिकॉज वो हमेशा 0 आता है, इसलिए उसको लीव कर देते हैं, ठीक है। जैसे 8 × 16 हो गया, एक बच्चा आपके पास, 8 × 64 और 1 × 65 हो गया, 6 × 68 = 78 और 6 × 78 हो गया, 7 × 68 = 56 और 6 × 63 हो गया, ठीक है। अब जब यहाँ सिंस हम जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस 0 होगा, इसीलिए हम उसको छोड़ देते हैं या फिर प्लस का साइन देते हैं, बिकॉज हम ऐड करेंगे। फिर अब आराम से मल्टीप्लाई, 3 × 2 = 6 हो गया, राइट, 8 × 3 = 24 हो गया, 2 बचा, 9 × 27 = 29 हो गया, 2 बच गया आपके पास, 7 × 21 = 2 = 23 हो गया,
ठीक है, सॉरी तेईस हो गया, और आप उसको फिर से आप क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ऐड कर लेंगे, इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्यों हम यहाँ प्लेस छोड़ देते हैं और क्यों हम ऐड करते हैं। ऐड इसलिए करते हैं कि क्योंकि मल्टीप्लीकेशन रिपीटेड एडिशन होता है, तो सेकेंड सेकेंड और दूसरा पार्ट ये है कि ये हम इसलिए छोड़ देते हैं बिकॉज वो प्लेस जीरो के लिए रहता है और जीरो स्टैंड फॉर नथिंग, इसलिए हम शॉर्टकट के लिए ऐसा करते हैं।